और बेहद चोरनी दिखा नहीं की। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, उसने ये मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। भगवान बोले मैया हमारी बात सुनो, मटकी तोड़ी गिराती हो, मटकी तोड़ी गिराती है, उलटा नाम लगाती हो। भगवान बोले मैया चोरी हमने नहीं की है। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, उसने ये मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। भगवान बहाना बनाते रहे, लेकिन माँ यशोदा ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान का नहीं अगो बांधने लगी है, जो सी रस्सी लेकर के आती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहां तक हुआ सारे मोहल्ला की रस्सी घटी कर ली, लेकिन भगवान फिर भी बांधने में नहीं आए। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो रस्सी घट रही है, यह श्याम सुंदर का अंग मोटा होता जा रहा है। भगवान ने देखा है कि माँ यशोदा बहुत परेशान है, तो भगवान का नहीं है कि छोटी सी रस्सी में बंध गए, और माँ यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके घर से बांध दिया, अपन घर से बाहर निकल गए। ग्वालों ने देखा है कि कन्हैया ने देखा कि माँ यशोदा घर से बाहर निकल गई, तो उसी आंगन में तो ब्रज से खड़े हुए थे यमला और अर्जुन के। भगवान कन्हैया ने वो खड़ी दोनों ब्रजों के बीच में फंसाई, झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। पहले तो भगवान को देख करके बहुत हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। साथ साथ एक बात और बता दे, ये भगवान को देख करके हंसे पर रोए क्यों, और ये दोनों कौन थे? देखो ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। तब इनका नाम था नलकूबड़ उम्मड़गिरी। लेकिन ये दोनों वृक्ष कैसे बन गए, आओ अति संक्षेप में देख लेते हैं। देखो ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों घमंडियों ने शराब पी और शराब की नशा में बुद्धि खराब हो गई। अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के सरोवर में जब नहाने के लिए गए हैं, दोनों घमंडी जब सरोवर पर पहुंचे हैं तो अपनी स्त्रियों से बोले हैं, आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे, फिर कैसे ना होगा। तो दोनों घमंडी समझाते हुए बोले हैं, वस्त्र उतारो मेरी प्यारी अचनक हुई स्त्रियां मना करती रही। दोनों को हम नहीं बोले, बोले हैं आज नगिन होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, लेकिन वे दोनों घमंडी नहीं माने।
सरोवर में जब नग्न होकर स्नान करने लगे हैं, अकस्मात देव ऋषि नारद का ना हुआ। भाई नारे ना